रहा है सिंदूर खेला, जो कि दुर्गा पूजा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और यहाँ हम आ गए हैं चलते चलते प्रोग्राम के दौरान यहाँ जंगली घाट में, जहाँ पे महिलाओं के चेहरों को आप देख सकते हैं, सभी एक दूसरे के साथ किस तरह मिलजुल कर इस सिंदूर खेला में भाग ले रही हैं। तो आप सिंदूर खेला में यहाँ कब से भाग ले रही हैं? 26 साल से। सिंदूर खेला जो होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों किया जाता है? माँ को हम लोग आनंद है, एक शक्ति है, शक्ति है। सिंदूर हम लोग का नारी का शक्ति है यही। तो सिंदूर खेला में जो हम लोग एक दूसरे के लिए जो प्रे करते हैं वो क्या करते हैं, भगवान जी से कुछ मांगते हैं कि सिंदूर खेला में? सिंदूर खेला में अपना स्वामी के दीर्घायु के लिए सिंदूर लगाते हैं, माता जी से यही दुआ करते हैं कि हम लोग का स्वामी का बहुत लंबा आयु हो और हम लोग सदा सुहागन रहे और उनका लाइफ हमेशा अच्छा रहे, फैमिली अच्छा से रहे, यही हम लोग माँ से विश करके हम लोग सिंदूर खेला खेलते हैं। जी आप यहीं के हैं? हाँ मैं यहीं की हूँ। अच्छा, तो आप सिंदूर खेला में जो शामिल होती हैं, आप बंगाल से बिलोंग करती हैं या? नहीं, मैं तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ, मैं तमिल हूँ। तो मैं एक्चुअली यहीं पे पैदा हुई हूँ, मेरा यहीं पे है तो मेरा बाड़ी, तो मुझे अच्छा लगता है जिस इनके कल्चर्स में आने में, बंगाली रिचुअल करने में तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं भी आती हूँ। मैं सब कुछ पहनती हूँ जैसे ये करते हैं वैसे ही करती हूँ, तो मेरे घर से भी सब कुछ ओके है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी से अपने दिल से करती हूँ। तो यही अंडमान की खासियत है, आप देख रहे हैं हर किसी के मन में एक दूसरे के जो संस्कृति है उसके लिए कितना सम्मान है, एक दूसरे की संस्कृति को कितने आसानी से ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। आप ये जो मिठाई खिलाती है, मिठाई खिलाने का भी कोई इम्पोर्टेंस होगा ज़रूर, मिठाई क्यों खिलाया जाता है? मिठाई हम लोग दशहरा विजयादशमी दिन मीठा खाना था, सूप सब कुछ सूप काम में ना मीठा यूज़ करते हैं हम लोग, इसीलिए मीठा हम लोग खाते हैं। हमारा ज़िंदगी में इसी तरह मिठास बनी रहे, खुशहाली बने रहे, माँ दुर्गा के आशीर्वाद रहे। बंगाली का हम लोग को मिठाई रसगुल्ला हम लोग को मेन है, बंगाली बंगाली मतलब रसगुल्ला। बंगाल को रसगुल्ले के लिए भी जाना जाता है और अभी आप सभी हंस रही हैं, आप सभी के चेहरे जो रसगुल्ले की जैसे मीठे लग रहे हैं। मिठाई खाते हैं और ये खिलाते भी है, जो हमेशा मीठा मिठास ही रहे, कभी माँ दुर्गा हमें मिठास से हमारा लाइफ पूरा भरे रखे, जिंदगी पूरा मीठा ही रहे हमेशा। जी ज़रूर, आप लोग सब माँ दुर्गा की आराधना में ऐसे जुटे हुए रहे और आप सभी का जो लाइफ है वो मिठास और खुशी से भर जाए। तो देवी वरण किया जाता है यहाँ पर सिंदूर खेला से पहले, देवी वरण में आप क्या क्या करती हैं? पहले वो पातू से की बोलते हैं पान पत्ती से हम लोग को माँ को वरण करते हैं, उसका बाद धान दुब्बा से हम लोग माँ को सिर में देता जन्म, फिर उसके बाद मिठाई मुँहते थे, फिर सिंदूर लगाते, फिर उसके बाद हम लोग को वरण करते माँ को करके फिर नमस्कार कर। वरण करना ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वरण करना से पूरा माँ को शुद्ध करते पान पत्ता से, फिर जैसे दान हो गया, दुबा घास हो गया, वो सबसे माँ को हम लोग पवित्र करते, तो हम लोग पवित्र करने के बाद उनको मिष्टी खिलाते, फिर पानी पिलाते, फिर सिंदूर लगाते, हाथ में पान देते हैं। कुछ भी मिठाई कुछ भी भगवान को खिलाने से के बाद पान अवश्य देना जरूरी है। हाँ। जैसे मुख स्वास हम लोग मुख शुद्धि उसके लिए। और क्या वो हम लोग देवी माँ को ना घर का लड़की समझते है, तो पापा का घर में बेटी जब आते हैं तो जिस तरह हम लोग लाड़ प्यार में सब कुछ कर खिलाते हैं सब, इसीलिए हम लोग भी अपना मायके जाते सेम उस तरह ही माँ भी हम लोग को मायके में आई है, इसलिए माँ को हम लोग जैसा हम लोग को भी जाके जैसा मतलब आदर जन ये सब करते हैं सेम उस तरह ही हम लोग माता जी को भी करते हैं। तो अभी जैसे माँ के जाने का वक्त हो गया है, आप सभी के चेहरे में खुशी है लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी है। खुशी नहीं है, साल भर हम लोग इसके लिए इंतज़ार करते हैं, साल भर इस त्यौहार का सब लोग बहुत ईगरली वेट करते हैं
ये जब आ गया तो अभी खुशी कैसे ये टाइम बीत गया किसी को मालूम नहीं चल रहा, तो लेकिन अभी हल्का हल्का सबको दुखी भी लग रहा है, लेकिन क्या है सिंदूर खेल रहे हैं और माँ को उदासी से नहीं विदा करना, खुशी खुशी जब हमारे बेटी आती है तो हम लोग क्या खुशी खुशी उनके ससुराल को विदा करते हैं, नहीं तो आने के लिए फिर न्योता देते हैं हम लोग, तो इसीलिए हम खुशी से उनको विदा करने का दिल में तकलीफ रहता है, अरे त्यौहार इतना जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन क्या है उनको खुशी से हम विदा करना चाहते हैं ताकि बेटी को तकलीफ ना होए। होली क्या है, हम लोग होलिका को जलाने के बाद हम लोग होली खेल के अपना खुशी को व्यक्त करते हैं, तो उसी तरह हम लोग सिंदूर से होली खेला करके हम लोग माँ को विदा करते हैं। तो यहाँ पे जो ढाक बजाया जाता है स्पेशली धुनोची नाच के टाइम पे, वो धुनोची नाच आप सभी ने किया? नहीं अभी होगा थोड़ा देर में। अच्छा अभी होगा, ढाक बजे वाला सर बैठे हैं, ढाक बजाएंगे अभी तो धुनोची भी होगा। अच्छा डांस भी करेंगे। तो ढाक जो बजाया जाता है वो सिर्फ दुर्गा पूजा के समय पे या फिर कोई और पूजा? कोई भी शुभ काम करते हैं, पूजा करते हैं तब हम लोग ढाक बजाते हैं, सब बजाते हैं। और कौन से पूजा में ढाक बजाया जाता है? और माँ माँ काली माँ का पूजा में करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्पेशली जो माओं की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, उसमें ढाक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जी। तो यहाँ पे देवी वरण चल रहा है, आप सभी के मन में थोड़ा बहुत दुख है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको उस दुख से थोड़ा सा बाहर निकालने का एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का एक गेम खेलते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल से ही जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन करेंगे। पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल जब पार्टीशन हुआ, 45 में बांग्लादेश और इंडिया, नहीं उससे काफ़ी पहले हुआ था, ये काफ़ी पहले हुआ था, उससे काफ़ी पहले शुरू हुआ था, इसका जो अनाउंसमेंट है काफ़ी पहले शुरू हो गया था, किसी को पता है? 1947 ना, तब तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ, अच्छा किसी को आइडिया है? तो अब ये हमारा जो फेस्टिवल है दुर्गा पूजा ये खत्म हो गया है, अब इसके तुरंत बाद आप लोगों का मेजर फेस्टिवल क्या आने वाला है? लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा, हमारा हर घर में हम लोग का लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है, फुल मून जब आता है हम लोग लक्ष्मी पूजा का, हाँ। लक्ष्मी पूजा है हमारे यहाँ भी, जैसे माँ दुर्गा यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो जैसे बहू को घर का लक्ष्मी माना जाता है, तो माँ जैसी वहाँ अपने घर में पहुँचेगी तो लक्ष्मी पूजा होगा। तो ये कितने दिन बाद अभी शुरू होगा लक्ष्मी पूजा? चार दिन बाद चार दिन दशमी के चार दिन बाद। अच्छा तो आप सभी यहाँ पे जो भी महिलाएं आज हैं वो सभी अपने घरों में लक्ष्मी पूजा करेंगे? ये मंडप में भी पूजा होगी, ये मंदिर में पूजा, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा, कोजागोरी बोलते हैं, कोजागोरी, कोजागोरी माने? नहीं, एक एक औरत का नाम था। नहीं नहीं, कोजागोरी का मतलब रात भर जगना, कोजागोरी का मतलब रात भर जगना। अच्छा तो इस ना और रात भर जगना, दिया बुझने नहीं देना, उस दिन हम लोग डोर नहीं बंद करते और रात भर जग के रहना, वेलकम करते हैं, अल्पना डाल, अल्पना डाल, मैं नहीं अल्पना डालना, रात भर दिया जलेगा, तो दिया को बुझने नहीं देना है और दरवाज़ा भी खुला रहता है, तो ये इनकी मान्यता है कि लक्ष्मी माता उस दिन हमारे घर प्रवेश करती है। तो इसलिए सभी आप जो आयोजन करेंगे उस दिन क्या क्या स्पेशल भोग बनता है माँ के लिए? नारियल का लड्डू बनते हैं, हर तरह का लड्डू, चीरा का लड्डू, फिर और क्या, बेसन का लड्डू, लूची, सूजी, बेरी 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 मेन होगा, कूल देवे, कूल देवे, खीर बनेगा, हम लोग का बंगाली में पायस बोलता, खीर, पांच आइटम का फ्रूट्स देते, पांच आइटम का स्वीट्स देते, फिर लड्डू, फिर खिचड़ी भी बनते, सब्जी बनते, पूरी, ये सब, तो ये सब बना सकते उतना बनाते, तो ये सभी आयोजन आप सभी महिलाएं अपने अपने घर में अकेले कर लेते हैं? हाँ अकेले कर, मतलब वो सब कराते हैं, लेकिन ये अपना करने से ना बहुत अच्छा होता,
मतलब हम लोग भी तो एक नहीं करते ना, साल भर तक आप नहीं करते, इसलिए वो दिन में हम नहीं, आप लक्ष्मी पूजा हम अपना 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 हिस्सा करते। लक्ष्मी पूजा में जो है या फिर देवी माँ की जो आराधना होती है उसमें स्पेशली ढाक बजाया जाता है, लक्ष्मी पूजा में ढाक बजता है? नहीं नहीं नहीं, वो शांत है, माँ लक्ष्मी पूरा शांत है, खाली शंख बजाना और कुछ नहीं, और उल्लू उल्लू देना बंगाली में। लोकी पचाली कंपलसरी है, वो मेन रहता है पूजा में, लक्ष्मी पूजा में। लक्ष्मी जी का जो रूप है वो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, वर्णन करते हैं, वो उनका कहानी, लक्ष्मी जी का पूरा कहानी जो है वर्णन किया जाता है बुक में। तो अभी हम लक्ष्मी पूजा और जो भी बाकी हमारी बंगाल के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में आपसे थोड़ी पूछताछ करेंगे, एक्चुअली गेम के जैसे खेलेंगे कि आप कितना जानते हैं अपने कल्चर को, ठीक है? तो और एक छोटा सा मैं बोलना चाहूँगी कि जिनको आंसर पता है वो बोलिएगा मत, जिनसे पूछा जाएगा सिर्फ वो आंसर देंगी, ओके? तो हमारी जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का रूप हम जो मानते हैं उसमें ढाक नहीं बजता है, ठीक, ढाक नहीं बजता है, तो सिर्फ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? शंख और उल्लू। अभी आप में से कोई नहीं बोलेगा, मैं इनसे पूछ रहे हैं तो बस ये उत्तर देंगे, ठीक है? तो माँ लक्ष्मी जी को जो है उनका वाहन कौन है? पैचा, उल्लू, पैचा, बंगाली में पैचा बोलते। तो हमने इनसे दो सवाल पूछे, दोनों का इन्होंने सही जवाब दिया। अब आपसे हम सवाल करेंगे एक हमारे संगीत से रिलेटेड, ठीक है, हमारे भारत के और बंगाल से खासकर जुड़ा हुआ है ये। तो कवि नजरुल इस्लाम को आप जानते हैं? हाँ। तो नजरुल इस्लाम जी को नोबेल प्राइज़ मिला था या नहीं मिला था? मिला था। गलत है ये, उनको वो ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, कवि नजरुल इस्लाम को नहीं मिला था। अब किनसे पूछेंगे, कौन खेलना चाहते हैं हमारे साथ? ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस साल में नोबेल प्राइज दिया गया? ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को उनके किस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? गीतांजलि। वेरी नाइस, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और जो ये नोबेल प्राइज है वो किन की तरफ से दिया गया? विदेश में दिया गया, लेकिन कौन सा देश नहीं पता, विदेश में दिया गया, मतलब हमारे देश से नहीं, विदेश, विदेश से दिया गया था, विदेश से दिया गया था, लेकिन मुझे एक्चुअल जो आंसर है वो नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जब हो सकता है इंग्लैंड, इंग्लैंड में लगता। अच्छा, तो यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो एक पार्क था, शहीद असीम भट्टाचार्य का पार्क था। तो असीम भट्टाचार्य कौन? असीम भट्टाचार्य एक सैनिक था, सैनिक था, वो तो कारगिल युद्ध में उनका निधन हो गया, कारगिल युद्ध के दौरान। बीएसएफ में कैप्टन था। अच्छा, कैप्टन थे वे। तो ये जो कारगिल का युद्ध है इसके बारे में आप कितना जानते हैं? यहाँ से और कोई था वहाँ पे कारगिल युद्ध में का साथ लड़ाई होने का टाइम, वो अचानक पाकिस्तान इंडिया को हमला कर दिया था, वही टाइम असीम भट्टाचार्य कैप्टन था, तो लीड करते करते उसको मतलब बॉम्बिंग हुआ, बॉम्बिंग में खाली असीम भट्टाचार्य नहीं मरा लेकिन शहीद नहीं हुआ, सॉरी बहुत जन शहीद हुआ, लेकिन हम लोगों का पोर्ट ब्लेयर में वही था, इसलिए उसको सैल्यूट करता, हम लोग का देश के लिए बहुत कुछ किया। देख सकते हैं आप, हमारे जो शहीद है उनके बारे में बोलते बोलते इनके आंख से आंसू आ रहा है, क्योंकि हम जो है सब उनसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो जो होते हैं उनके लिए हम खुद को सेफ फील करते हैं। यहाँ उनका पिता का नाम कामाख्या भट्टाचार्य था और उनका बेटा का नाम असीम कुमार भट्टाचार्य था, दो भाई थे उनको। तो ये सभी उनसे किस तरह इंटरनली जुड़े हुए हैं, आज भी वे हमारे अंदर जीवित हैं
और असीम भट्टाचार्य के इस जो त्याग है इसको हम सब कभी नहीं भूलेंगे। युद्ध का माहौल जो है वो अगर हमारे देश में कभी बने ही ना तो फिर हम सब कितना खुशहाल जो है अपना ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो यही दुआ के साथ कि कभी हमारे देश में युद्ध का माहौल ना बने, सब सुख शांति और समृद्धि बने रहे, सबके जीवन में खुशियां बनी रहे, और हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे हमारे इस शो चलते चलते पर, और दुआ करेंगे कि आप सभी खुशहाली और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। मतलब ये जो इनके मन में एक खुशी भी है कि आने वाला साल फिर से हम इसी धूमधाम से माँ की आराधना करेंगे और इस पूजा में शामिल होंगे, तो ये इस चीज़ का प्रतीक है। आश्चर्य बोचोर आवार होवे।
हम उपस्थित हैं यहाँ अबरडीन बाज़ार के इस बेहद सुंदर पूजा मंडप में, जहाँ आप देख रहे हैं माँ का जो मंडप है ये किस तरह प्लास्टिक की बॉटल्स है, ये सारे जो देख रहे हैं प्लास्टिक की बॉटल्स को इन्होंने कलेक्ट किया है और इस तरह से उन्हें सजा कर ये पूरा मंडप जो है उसका डेकोरेशन किया गया है। कितना नोबल इनका जो ये थॉट है ये हमने यहाँ पर देखा। इकोलॉजिकल जो एक इम्बैलेंस है उसको बचाने के लिए, प्लास्टिक का यूज़ कम करने के लिए, उसे रीयूज़ करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक के बॉटल्स यूज़ किए गए हैं। तो हमारे साथ है इस पूजा पंडाल के प्रेसिडेंट, आपका नाम? गौतम गुप्ता। गौतम जी, तो गौतम जी आपको ये जो नोबल आइडिया मिला है इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, ये नोबल आइडिया मिस्टर जगजीवन राम का, जिसे यहाँ के काफ़ी लोग जानते हैं, वो एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे कलाकार है, उन्हीं का एक कंसेप्ट है कि इस बार हम ऐसा कुछ करेंगे। तो उन्होंने शुरू में सजेस्ट किया कि हम प्लास्टिक बोतल को यूज़ करेंगे, तो हमें भी लगा कि भाई प्लास्टिक बैन है पोर्टब्लेयर में, इसकी एंट्री बंद है। तो उन्होंने समझाया कि भाई नहीं, जो प्लास्टिक हम यूज़ करेंगे वो एक तरह से यहाँ का अनयूज्ड प्लास्टिक है, उसको हम किसी तरह से इसको यूज़ करके और बाद में उसको प्रॉपरली डिपार्टमेंट से बात करके उसको डिस्पोज करेंगे, कैसे डिस्पोज करें। तो ये उनका कंसेप्ट है, ये कलरिंग, ये बैनर जो बोर्ड उन्होंने बनाया है ये पूरा 100%, और बाकी यहाँ के जो लड़के हैं उन्होंने उनको पूरा सहयोग दिया है काम करने में। वो रात को 1 बजे काम शुरू करते थे और सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक काम करके मात्र 3 दिन में ये पूरा सेट उन्होंने रेडी किया है। केवल मात्र 3 दिन में इतने बोटल्स आपने कलेक्ट किए, उसे कलर किया और फिर ये पूरा पंडाल बनाया? जी हाँ, ये उनका मेहनत है, उनका दिमाग और उनका लगन भी है, वो काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, सचमुच काबिले तारीफ। तो ये जो आपने ये पंडाल बनाया है, इससे सोसाइटी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये दूंगा कि कम से कम यूज़ करें, और जो प्लास्टिक अंडमान में पहुंच चुका है उसे इस तरह से यूज़ करके आप उसको डिकम्पोज करें, डिपार्टमेंट से पता करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या PBMC से, कि कैसे इसको, ये वेस्ट मटेरियल को हम डिस्पोज कर सकते हैं।
जिससे किसी को नुकसान ना हो। मेनली इंसान तो समझ जाता है बट जानवर नहीं समझ पाते, मछलियाँ नहीं समझ पाती, चिड़िया नहीं समझ पाती, तो स्पेशली नेचर के हिसाब से अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा अंडमान का नेचर ये बचा रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कितना डेंजरस और कितना हार्मफुल है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, और इसी प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको कम करने के लिए, उसे रिसाइकल रीयूज़ करने के लिए यहाँ पे जो कोशिश की गई है वो आपने सभी ने देखा। हम सभी इस कोशिश को सराहते हैं। प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, यानी कि वो सालों साल अपना यही फॉर्म बरकरार रखता है, वो धरती में जो है वो डिग्रेड नहीं होता है, और इसीलिए प्लास्टिक को जो है हम इतना डेंजरस मानते हैं। सारी जो एनिमल्स हैं, सारी जो वाइल्ड लाइफ है, वो इस प्लास्टिक से कितना उनको नुकसान होता है ये हम सभी जानते हैं। तो हम सभी जो आइलैंड के जो आइलैंडर्स हैं या फिर ये जो द्वीप समूह में रहते हैं, वो सभी ये कोशिश करें कि प्लास्टिक को हम किस तरह रिड्यूस करें। जो हमारे 3 R's है प्लास्टिक के, यानी रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इस तीनों चीज़ को हम सभी बरकरार रखें, मेंटेन करें। तो माँ दुर्गा से भी हम यही आशीर्वाद चाहते हैं कि वे हर साल आए और हम ऐसी ही कुछ कोशिश करें जिससे हमारा इकोलॉजी, हमारा समाज बच सके। जय माँ दुर्गा।